हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है ये डोरमैट। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक न्यू डिजाइन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक न्यू डिजाइन, इसमें आप अपनी साड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुपट्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास साड़ी दुपट्टे जो ब्लाउज पीस आते हैं साड़ियों में, उन्हें हम नहीं सिलवाते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरे पास इस तरीके से कई साड़ी पड़ी थी, तो मैं साड़ी में से ही आपको बनाकर दिखाऊंगी, और दो चार दुपट्टे थे उनमें से बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दो उंगलियों का नाप करते हुए और साड़ी को कट करेंगे। देखिए, ये मैंने दो उंगलियों का नाप किया, यानी एक इंची का नाप करके मैंने साड़ी को कट कर लिया। इस तरीके से लंबा इसे फाड़ेंगे, इसी तरीके से लंबा फाड़ेंगे, और यहाँ पर आकर इसे हम जॉइंट ही रहने देंगे। देखो, आपको दिख रहा होगा ये जॉइंट रह, और इसी को हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, दोनों बराबर हैं, एक जैसी पट्टी हम कट करेंगे तो हमारी यानी साड़ी की पट्टियाँ एक जैसी कट होंगी, या दुपट्टे की पट्टियाँ एक जैसी कट होंगी, तो हमारा डोरमैट बहुत अच्छा आएगा और बहुत सुंदर बनेगा। इसी तरीके से देखिए, हम दोनों पट्टियों को एक जैसी कट करेंगे और इस तरीके से गोला बना लेंगे। दोनों तरफ से ऐसे ही कट करते जाएंगे, गोला बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये दो गोले कट कर लिए हैं, और दो गोले में से मैंने इस तरीके से साड़ी में से दो गोले बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम अपने फंदे डालेंगे। सबसे पहले इस वाले कलर का हम फंदा डालेंगे। देखिए, इसके फंदे डालेंगे हम, एक दो तीन चार। इसमें मैंने देखो चार फंदे डाले हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। इस वाले कलर के हम देखो कितने फंदे डालेंगे, ओ तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह इक्कीस फंदे डालेंगे। देखिए, 21 फंदे मैंने ये वाले डाले हैं, और चार फंदे मैंने ये वाले डाले हैं, ये वाले 21 और ये वाले 4। तो इन्हें हम कैसे बनाएंगे, देखना, ध्यान से देखना, जैसा हमारा कलर है वैसे ही बनाएंगे, जैसा कलर है वैसा ही बनाएंगे। इसी तरीके से बनाना है, और जैसा कलर है वैसे ही बनाना है। देखिए, ये मैंने 21 फंदे बना लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे 21 फंदे बनाए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस वाले कलर को हम ऐसे रखें और इसके पीछे निकाल देंगे, ऐसे, यानी उल्टी तरफ ये मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ से देखना, इस वाले कलर से हम अपने बाकी के चार फंदे इस वाले कलर से बनाएंगे, एक दो और ये तीन और ये चार, चार फंदे मैंने इस वाले कलर से बनाए, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इस वाले चार फंदे बढ़ाने हैं हमें इस तरीके से। पहली सिलाई हमारी शुरू है, पहली सिलाई से ही हमने यानी एक सिलाई बनाकर दूसरी सिलाई से हमने एक फंदा बढ़ाया है। देखो इस तरीके से सिलाई के ऊपर से डालेंगे और इस तरीके से एक फंदा हम बना लेंगे। एक फंदे के दो फंदे हो गए, यानी ये हमारे पांच फंदे हो गए, आपको दिख रहा होगा। देखो, ये मैंने पांच फंदे बना लिए, एक दो तीन चार पांच। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे आठ फंदे करने हैं, पांच फंदे हमारे हो गए हैं, और इसी तरीके से हर एक सिलाई पे अपना फंदा बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम सीधी की तरफ निकाल देंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखो,
इधर की साइड में हमें क्या करना है ध्यान से देखना। लास्ट में जाकर हम दो फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए इधर की साइड में हम दो फंदे छोड़ देंगे, यानी नीचे की तरफ ये वाले फंदों के दो फंदे मैंने छोड़ दिए, यहाँ से एक फंदा मैंने बढ़ाया। जैसे हमने इधर की साइड से यानी उल्टी तरफ से बनाया है तो देखिए मैंने एक एक करके एक दो तीन चार फंदे थे मेरे इस झल्लर में, एक दो तीन फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। अब एक फंदा मैं आपको फिर से बढ़ाकर दिखा रही हूँ। देखिए पूरी डोरमेट में इसी तरीके से हमें फंदे बढ़ाने हैं। देखो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर धागा डाला और फंदा यानी बना दिया, तो एक फंदा बढ़ गया। इसी तरीके से हम अपने डोरमेट की डिजाइन यानी बनाएंगे। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, इसे इसके ऊपर रखेंगे, इसे हम पीछे की तरफ निकाल देंगे सीधी तरफ। अब यहां से बनाना शुरू करेंगे। इधर की साइड में हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे हम फंदे छोड़ते आते हैं दो दो करके वैसे ही छोड़ते जाएंगे। ये दो दो करके मैंने चार बार फंदे छोड़ दिए, एक दो तीन चार। इधर की साइड से हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने उल्टी तरफ से बनाया है वैसे ही सीधी तरफ से बनाएंगे। तो पहले बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये चार फंदे बढ़ा लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इस फंदों को चार फंदों को हम एक एक करके जैसे हमने बढ़ाए हैं वैसे ही घटाएंगे। देखिए मैंने डबल फंदे लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ से इसे बना देंगे, अब कोई फंदा नहीं घटाएंगे, जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनते जाएंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे, एक फंदा घटाएंगे बस शुरुआत में। जैसे हम धागे को पलटते हैं वैसे ही पीछे की तरफ कर देंगे अंगूठा देकर। अब यहाँ से बनाएंगे, इधर की साइड में हम कुछ नहीं करना, जैसे हमने फंदे बढ़ाते हुए दो दो करके फंदे छोड़े थे वैसे ही फंदे घटाते समय भी दो दो करके फंदे छोड़ते जाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार, पांचवा फंदा मैंने छोड़ दिया। यहां से धागे को अपनी तरफ लेंगे, फंदे छोड़ते जाएंगे और यहाँ से एक एक करके अपना फंदा घटाते जाएंगे। चार फंदे घटा लेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए अब मैं आपको एक दो तीन चार, एक फंदा और घटाएंगे इसमें से। इसी तरीके से डबल फंदा लेंगे और कम कर देंगे। देखिए ये मैंने एक एक करके चारों फंदों को कम यानी घटा दिया है। यहाँ से ऐसे ही बुनेंगे जैसे बुनते हैं और अब देखिए हमारे ये चार फंदे हो गए हैं। अब फिर से हम कली को यानी फंदे चार बढ़ाएंगे, फिर से बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ये पहला फंदा बढ़ गया। ऐसे ही करके चार फंदे बढ़ाएंगे। इधर की साइड में क्या करना है, अभी हमारी कली इसी इधर की साइड में पूरी नहीं हुई है तो इस तरीके से दो दो करके फंदे अभी हम छोड़ते जाएंगे। कली पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए अब यहाँ से देखो
एक दो तीन, यानी मैंने सभी को दो दो करके छोड़ दिया है। यहाँ पे ये तीन फंदे बाकी हैं तो न हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। देखो ये मैंने फंदा बढ़ा लिया और इन सभी फंदों को बनाएंगे ऑरेंज कलर के। ये मैंने सभी फंदों को बना लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे देखो, इस वाले कलर को हम यहाँ से कट कर देंगे। इस वाले कलर को मैंने कट कर दिया, ये देखिए मैंने निकाल दिया इस वाले कलर को यहाँ से, क्योंकि हमारी पूरी कली हो गई है। अब यहाँ से हम अपना कलर चेंज कर रहे हैं, तो कलर चेंज कैसे करेंगे देखो, कोई नॉट नहीं लगाएंगे। इस वाले धागे को हम पीछे करेंगे, अब यहाँ से इसे इसके अंदर रखेंगे ऐसे, देखो। अब इसमें थोड़े से अंटे लगाएंगे और ऐसे करके बना देंगे। ये मैंने बना दिया ऐसे, कोई फंदा मैंने नहीं बढ़ाया। अब क्या करेंगे, सभी फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि अब हमारी एक कली पूरी हो गई है ना, इसलिए हम सभी फंदों को बना लेंगे। यहाँ से अब कोई भी फंदा नहीं छोड़ेंगे इस तरीके से। अब जैसे मैंने ये वाले कलर की कली पूरी की है, वैसे ही कलियों में हम कलर चेंज करते जाएंगे और अपनी कलियों को इसी तरीके से बनाते जाएंगे दो दो फंदा छोड़ते हुए। तो देखिए इस तरीके से ये वाली कली मेरी कंप्लीट हुई। यहाँ से हमारी देखो इस तरीके से डिजाइन चलेगी। साइड से और हम बना लेते हैं। अब की सिलाई से हम दो दो फंदा करते छोड़ते आएंगे। इस वाली सिलाई को हम पूरा करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए अब यहाँ से मैंने दो फंदे छोड़ दिए, दूसरी कली का बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने और दो रो लगा ली हैं। देखिए यहाँ से दो फंदे छोड़ दिए ऐसे ही मैंने, देखो ये दूसरी कली बनाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम थोड़ी सी कलियाँ बना लेते हैं, यानी चार पांच कली बना लेते हैं, फिर मैं उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से बनेगा, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसी तरीके से बनाना है सभी कलियों को। तो देखिए मैंने यहाँ से इस तरीके से ये कलियाँ बनाई हैं, आपको दिख रही होंगी। इसमें मैंने सात कलियाँ बनाई हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये डोरमैट। ये मैं आधा ही बना रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं आधे डोरमैट के लिए। देखो कितना सुंदर लगेगा आधा डोरमैट। अगर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बनेगा, बट मैं आपको इसी हिसाब से उतार के दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ ना इसलिए। तो जैसे हमारे फंदे हैं उसी कलर से उतारेंगे। देखिए जैसे फंदे थे उसी कलर से उतारना है। यहां से अपने धागे को इस वाले को कट कर देंगे। यहां से अब इससे उतारेंगे हम। ऐसे ही अब हम सभी फंदों को उतार लेंगे, सभी फंदों को इसी तरीके से उतारेंगे। देखो इस तरीके से, तो सभी फंदों को हम इसी तरीके से उतार के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सभी फंदों को इसी तरीके से उतार दिया है। अब क्या करेंगे देखो, ध्यान से देखना, इसे थोड़ा सा खींचेंगे और इसमें एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से। तो ये मेरा
पूरा डोरमैट बन के तैयार है। इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा कट कर देंगे। देखो इस तरीके से इसकी सिलाई कर देंगे, धागे में नॉट लगाएंगे। ये मेरे पास छोटी सुई थी तो मैंने चालर धागा लिया है और इसकी मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे उल्टी तरफ से करेंगे, देखो चाहे सीधी तरफ से कर लो चाहे उल्टी तरफ से कर लो, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी सिलाई है बस। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन आई है ना, बहुत सुंदर डिजाइन है, बहुत प्यारी सी डिजाइन है ये। आप इसे पूरा भी बना सकते हैं, बट इसी तरीके से बनेगा। तो ये मेरा डोरमैट बनके सिलके पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।